हाउ टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसके ऊपर मैं टोटल दो वीडियो बना चुका हूं। बट आज की इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की पासवर्ड कैसे हम रिसेट कर सकते हैं या फिर फॉरगेट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट है microsoft.com और यहाँ पे microsoft.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आना है। राइट साइड में आप देख सकते हो साइन इन टू योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन, यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन या फिर स्काइप दे के लॉगिन करना है। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड आप भूल चुके हो तो यहाँ पे सिंपली आप यूज़र डाल दीजिए। तो मेरे यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर से यहाँ पे क्रिएट था माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपके केस में ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। सो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे नीचे की तरफ करना है फॉरगेट पासवर्ड। और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद वी नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। हाउ वुड यू लाइक टू गेट योर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा और यहाँ पे करना है गेट कोड। अगर आपके पास कोड है तो यहाँ पे करेंगे आई हैव ए कोड। तो मेरे पास कोई भी कोड नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वी जस्ट सेंड ए कोड, आपके मोबाइल नंबर, एंटर द कोड यू रिसीव। तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड आया तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1499686। तो मेरा मोबाइल नंबर पर जो कोड आया यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे करना है नेक्स्ट। और दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट योर पासवर्ड 8 कैरेक्टर मैक्सिमम केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल में देना है, स्मॉल में भी मिक्स करके देना है और स्पेशल कैरेक्टर भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड और यहाँ पे है री एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे जो भी आप न्यू पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरे केस में मैं डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे फाइनली करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पासवर्ड है चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे साइन इन करके आप साइन इन कर लीजिए। अब हम ईमेल आईडी पासवर्ड देके या फिर मोबाइल नंबर पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। आपके केस में जो भी यूज़र है यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करके पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको दिखा दिया किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करना है। दोस्तों यही था माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फॉरगेट करने की पूरा प्रोसेस। आई होप इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और एक बात बता दूं, मेरे और एक चैनल है, सेकंड चैनल टेक्नो टिप्स। इस चैनल की चैनल सेक्शन में आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विंडोज़ एंड एंड्रॉयड टिप्स रिलेटेड वीडियो वहाँ पे मैं डालता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।